नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह से मैं श्वेता फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपके सपनों के हम समस्याओं का हल लेकर। तो दोस्तों, आज सपने की सीरीज में हमारा विषय है सपने में जूते अथवा चप्पलों को देखना। दोस्तों, अगर एक मैं जनरल प्रिडिक्शन की बात करूँ तो ज्योतिष के अनुसार सपने में जूते चप्पल किसी मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति की ओर इशारा करता है या किसी यात्रा के बारे में संकेत देता है। लेकिन दोस्तों, जूतों और चप्पलों को देखने की कंडीशंस के हिसाब से उनके स्वप्न फल में डिफरेंस आ जाता है। तो मैं अब आपको उन कंडीशंस के बारे में बताऊंगी। पहली कंडीशन की, जैसे आप सपने में खुद को जूता पहनते हुए देखते हैं तो यह सपना यह बताता है कि किसी व्यक्ति की सहायता से आप किसी यात्रा की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा सपना है कि आप जूते सपने में किसी को दान दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक शुभ सपना है जिसमें यह आपको इंडिकेट कर रहा है कि जल्दी आपका कोई भी कर्जा जो आप पे है वो बहुत जल्दी चुकता हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा सपना है सपने में आरामदायक जूते देखना, बिल्कुल कंफर्टेबल जूते। तो दोस्तों, इस तरह का सपना भी एक अच्छा सपना होता है जो यह बताता है कि आप किसी छुट्टियों की प्लानिंग कर सकते हैं, आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं या आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपको अपार प्रसन्नता होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप सपने में देखते हैं कि आपने बड़े पुराने और फटे जूते पहन रखे हैं या आपको सामने बहुत पुराने फटे जूते दिख रहे हैं, गंदे जूते दिख रहे हैं, तो दोस्तों एक ऐसी यात्रा की ओर संकेत देता है जो आपके लिए थोड़ी कष्टपूर्ण होगी। दोस्तों, यदि आप सपने में जूते खरीदते हैं तो जो दोस्तों जूते खरीदना उस धन की ओर संकेत देता है जो आप किसी अच्छे व्यक्ति या किसी शुभ कार्य पर खर्च करेंगे। दोस्तों, इसी तरह अगर आप सपने में देखते हैं कि आप जूते बेच रहे हैं तो दोस्तों आप किसी परेशानी से बाहर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।